उज्जैन में शिप्रा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कांग्रेस विधायक महेश परमार ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने गंदे पानी में डुबकी लगा शिप्रा की दुर्दशा दिखाई। उज्जैन में रामघाट के पास पीएचई की पाइपलाइन में लीकेज होने से चैम्बर ओवरफ्लो होने लगा और सीवरेज का गंदा पानी लीक होकर शिप्रा नदी में मिलने लगा। जैसे ही इसकी जानकारी उज्जैन कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार को लगी, वो तुरंत शिप्रा नदी पहुंच गए। उन्होंने नदी में मिल रहे गंदे पानी के बीच डुबकी लगाकर और आचमन कर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, हमारे गौरव और अस्तित्व की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।